दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं लद्दाख स्काउट्स के बारे में। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर और सबसे मुश्किल मोर्चा भी है सेना के लिए, और इसे एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहां सैनिकों को केवल दुश्मनों से ही नहीं बल्कि प्रकृति के साथ भी लड़ना पड़ता है। भारतीय सेना की लद्दाख स्काउट इस दुर्गम और ऊंचे क्षेत्र में सरहदों की रक्षा करती है। लद्दाख स्काउट एक कम जानी पहचानी रेजिमेंट है, पर नाम से ज्यादा इसका काम बोलता है। इन्हें ना तो सर्दी हिला पाती है और ना ही पहाड़ इनके हौसलों को पस्त कर पाते हैं। ऐसे पथरीले पहाड़ों और चट्टानों जिनमें जिंदगी खौफ खाती हो, इस रेजिमेंट के जवान इन मैदानों को खेल के मैदान से कम नहीं समझते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये रेजिमेंट इतनी खतरनाक है कि दुश्मन इनसे बेवजह नहीं लड़ सकता है। अगर इनसे लड़ा तो उसे अपनी कीमत, अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी हो या फिर चीन की सेना। सीमा पर इनकी तैनाती इस बात का प्रमाण है कि सरहद पर सभी ठीक हैं। और जब जब मौका आया है, तब तब इस रेजिमेंट ने अपनी पूरी जांबाजी के साथ लड़ाई लड़ी है। रेजिमेंट के जवान ज्यादातर इसी स्थान से हैं। इनको प्यार से नूनू कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि छोटा भाई। सेना का ये नूनू जवान बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेता है। आपको बता दें कि ये रेजिमेंट आजादी के बाद भारतीय सेना का हिस्सा बनी। 1947 और 1948 में इस रेजिमेंट की स्थापना हुई और इस सेना में लद्दाख के निवासियों को ही रखा जाता है। 1962 में चीन के हमले के समय में भी लद्दाख के लोगों ने अपनी बहादुरी, साहस और बलिदान का परिचय देकर एक सम्मान और कीर्ति अर्जित की। आप वास्तव में इन्हें कह सकते हैं कि हिमालय के असली रक्षक हैं ये सैनिक। 1971 में भारत की लगभग 804 वर्ग किलोमीटर डॉग हिल इलाके को इस रेजिमेंट ने मुक्त कराया था, और इस रेजिमेंट को बैटल ऑनर तुर्तुक से भी सम्मानित किया गया। ये रेजिमेंट सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत में भी आगे रही है। पूर्वी लद्दाख में ये जवान हमेशा आगे रहते हैं। सन 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान इन्होंने अपना योगदान दिया। ये आर्मी की पैदल रेजिमेंट है, जिसकी कुल 5 बटालियन है, और इन्हें स्नो वॉरियर्स या फिर स्नो टाइगर्स कहा जाता है। इस रेजिमेंट का युद्ध घोष है की सो सो लहर ग्यालो, यानी विक्ट्री टू गॉड है। रेजिमेंट को तकरीबन 300 से भी ज्यादा वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें एक अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र, 2 कीर्ति चक्र, 2 अति विशिष्ट मेडल, 26 वीर चक्र, 6 शौर्य चक्र, 3 युद्ध सेवा मेडल, 64 सेना के मेडल और 13 विशिष्ट सेवा मेडल भी शामिल है। तो दोस्तों, आपका लद्दाख स्काउट के बारे में क्या कहना है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और क्या आपको इस रेजिमेंट के बारे में पता था, उसके बारे में भी जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।